स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 7 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 8 क्वेश्चन है, 8 हमारा 100330052-1। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए 1302-1, ठीक है। फिर 0 0 नेगेटिव, ये कॉलम क्या, ये रो गया 350-1, 350-1। फिर ये पॉजिटिव का 0, ये कॉलम क्या, ये रो गया 3352, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव का साइन, -3 -0, ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, -3, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a11, तो -2, ये कॉलम क्या, ये रो गया 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, -3, 2 को 0 के साथ 0। तो पहला हमारे पास कोफैक्टर क्या आ गया, -3। फिर a12, -3, ये कॉलम क्या, ये रो गया -3 और -0, -3 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो -, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर a13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -4, ये कॉलम क्या, ये रो गया 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 6 − 15 − 9। तो ये हमारे फर्स्ट रो के कोफैक्टर। अब सेकंड रो के a21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3, ये कॉलम क्या, ये रो गया 0 − 0, तो ये क्या आ गया 0। a22, -4, ये कॉलम क्या, ये रो गया 1 × −1 − 1, 5 × 0 = 0, तो ये क्या आ गया, -1। अब a23, -5, ये कॉलम क्या, ये रो गया 1 × 2 = 2 − 0, तो ये क्या आ गया, -2, ठीक है। ये हमने कोफैक्टर निकाल दिए सेकंड रो के। अब थर्ड रो के निकाल लें, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -4, 3 + 1 = 4, अब ये कॉलम क्या, ये रो गया 0 − 0, तो ये तो 0 ही आ गया। फिर ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 = 5, ये कॉलम क्या, ये रो गया, फिर 0 ही आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -6, ये कॉलम क्या, ये रो गया 3 − 0, तो अब हमारे पास कोफैक्टर क्या आ गया, 3, ठीक है। अब हमारे पास 9 के 9 कोफैक्टर आ गए हैं। अब इसे हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। एडजॉइंट क्या होता है, सभी कोफैक्टर और उनका ट्रांसपोज, ठीक है, 0 − -1 − 2, 0 − 0 − 3, अब इसका ट्रांसपोज। तब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1 अपॉन -3, ठीक है, -3 = 0 − 3 − 1 = 0, -9 − 2 = 3। अब या तो ऐसे ही छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव को अंदर एडजस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 − 0 − 3 = 1 − 0 − 2 − 3। आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर, यहां भी छोड़ सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो 2 − 1 = 0 − 2 = 1, अब -1, 4 − -7 और 0 − 1, फिर +3, 4 − 1 − 7 = 2, 4 − 1 − 7 = 2, तो ये आ गया हमारे पास -1 − -0, 4 − 0, 4 × 2 = 8, -, 1 -, हमने भी लिखाना, तो ये आ गया -2 − -4, और ये आ गया हमारे पास 8 − 7 = 1, तो ये क्या आ गया, 3, तो -6 + 3, तो डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, -3 ≠ 0। अब हमने क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर, ठीक है।
कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले ए वन वन फर्स्ट रो के, तो नेगेटिव की पावर टू, ये कॉलम गया ये रो गया, नेगेटिव वन जीरो, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव वन, फर्स्ट कोफैक्टर नेगेटिव वन। फिर ए वन टू, नेगेटिव की पावर थ्री, तो ये कॉलम गया ये रो गया, फोर माइनस जीरो, तो ये आ गया नेगेटिव फोर। फिर ए वन थ्री, नेगेटिव की पावर फोर, ये कॉलम गया ये रो गया, फोर इंटू टू एट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव हमने भी लगाना, तो क्या आ गया वन। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या गया, नेगेटिव वन, नेगेटिव फोर और वन। अब सेकंड, ए टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री, ये कॉलम गया ये रो गया, वन माइनस सिक्स, तो ये क्या आ गया फाइव। ठीक है, अब ए टू टू, नेगेटिव की पावर फोर, ये कॉलम गया ये रो गया टू, ठीक है पहले टू, फिर ये नेगेटिव और नेगेटिव सेवन इंटू थ्री, नेगेटिव ट्वेंटी वन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टू प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री, तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी थ्री। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस वन की पावर फाइव, ये कॉलम गया ये रो गया फोर प्लस सेवन, फोर प्लस सेवन क्या आ गया हमारे पास इलेवन, लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, अब ए थर्ड वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, नेगेटिव की पावर फोर, तो ये क्या आ गया जीरो प्लस थ्री, तो ये क्या आ गया हमारे पास थ्री। ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो माइनस ट्वेल्व, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव टू, नेगेटिव फोर, नेगेटिव, तो ये हमारे पास कोफैक्टर तीनों रोज के। अब हमने क्या निकाला एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या है, सभी कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रख के उसका ट्रांसपोज, तो नेगेटिव वन, नेगेटिव फोर, वन फाइव ट्वेंटी थ्री, नेगेटिव इलेवन, थ्री ट्वेल्व और नेगेटिव सिक्स, अब इसका ट्रांसपोज, तो नेगेटिव वन फाइव थ्री, माइनस फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व, वन नेगेटिव इलेवन नेगेटिव, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ है। अब हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला वन अपॉन डिटर्मिनेट्स, डिटर्मिनेट्स क्या है नेगेटिव थ्री, तो हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव वन बाय थ्री, नेगेटिव वन फाइव थ्री, नेगेटिव फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व, वन नेगेटिव इलेवन नेगेटिव सिक्स, तो ये हमारा ए इनवर्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर। क्वेश्चन नंबर टेन, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो वन पॉइंट डिटर्मिनेट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेट्स हमारे पास वन, फोर इंटू टू एट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव हमने भी लगाना है, नेगेटिव सिक्स, ये नेगेटिव है तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव वन, तो जीरो, ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नाइन, तो टू, जीरो नेगेटिव सिक्स, एट माइनस सिक्स टू, नाइन और माइनस ट्वेल्व, तो ये डिटर्मिनेट्स हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव वन। ठीक है, डिटर्मिनेट्स हमारे पास क्या है नेगेटिव वन। अब हमने क्या निकालने हैं कोफैक्टर, तो पहले फर्स्ट रो के कोफैक्टर ए वन वन, तो नेगेटिव की पावर टू, फोर इंटू टू एट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव हमने लगाना है सिक्स, तो फर्स्ट कोफैक्टर हमारे पास क्या आ गया टू। अब ए वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस की पावर थ्री, ये कॉलम गया ये रो गया जीरो, थ्री इंटू थ्री, नेगेटिव थ्री नेगेटिव नाइन, एक नेगेटिव हमने लगाना तो पॉजिटिव नाइन, लेकिन नेगेटिव पावर थ्री है तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव नाइन। अब ए वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस वन की पावर फोर, तो ये क्या आ जाएगा जीरो, माइनस सिक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस सिक्स। अब ए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉलम गया ये रो गया, ये कॉलम गया माइनस फोर प्लस फोर, तो क्या आ गया जीरो। ठीक है, अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, नेगेटिव पावर फोर, ये कॉलम गया ये रो गया फोर, थ्री इंटू टू सिक्स, तो माइनस सिक्स, तो फोर माइनस सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव टू, क्योंकि नेगेटिव पावर तो फोर है, पॉजिटिव हो जाएगा। ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेगेटिव पावर फाइव,
तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव टू और पॉजिटिव थ्री। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव वन, लेकिन नेगेटिव पावर फाइव है तो नेगेटिव वन। अब थर्ड रो के, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नेगेटिव की पावर फोर, तो ये कॉलम क्या, ये रो गया थ्री नेगेटिव फोर, तो ये क्या गया नेगेटिव वन। थर्ड रो सेकेंड कॉलम नेगेटिव की पावर फाइव, ये कॉलम क्या, ये रो गया नेगेटिव थ्री जीरो, तो ये क्या गया पॉजिटिव थ्री। थर्ड रो थर्ड कॉलम नेगेटिव की पावर सिक्स, तो ये कॉलम क्या, ये रो गया टू माइनस जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया टू। तो ये है हमारे कोफैक्टर क्वेश्चन नंबर 10 के। अब हमने इसके बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या है, बस सभी कोफैक्टर को मैट्रिक्स में लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। टू नेगेटिव नाइन नेगेटिव सिक्स जीरो नेगेटिव टू नेगेटिव वन नेगेटिव वन थ्री टू और इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो टू जीरो माइनस वन नेगेटिव नाइन नेगेटिव टू थ्री नेगेटिव सिक्स नेगेटिव वन टू, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, वन अपॉन डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट क्या हमारे पास नेगेटिव वन टू जीरो नेगेटिव वन नेगेटिव नाइन नेगेटिव टू थ्री नेगेटिव सिक्स वन नेगेटिव वन और टू, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब नेगेटिव को अंदर एडजस्ट कर दो तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव टू जीरो वन नाइन टू नेगेटिव थ्री सिक्स वन नेगेटिव टू, तो ये है हमारा ए ऑफ इनवर्स। तो यहां हमारे क्वेश्चन पहले 10 तक कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।